Today we are going to discuss topic elasticity of demand. Elasticity of demand. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? जब डिमांड के चेंज होने का कोई रीजन की वजह से डिमांड का चेंज होने का प्रपोर्शन. तो सबसे इफेक्टेड रीजन जो है डिमांड के चेंज होने का वो है प्राइस. प्राइस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर. सपोज हमें डेफिनेटली हमें पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी. प्राइस सपोज 10% इंक्रीज होती है तो क्या डिमांड भी 10% ही डिक्रीज होगी? ये जरूरी नहीं है. जिस प्रपोर्शन में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी प्रपोर्शन में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है. इसी के जो वेरिएशन को फाइंड करने के लिए हमें प्रोफेसर मार्शल की फॉर्मूले को यूज करना है जिससे कि हम इस वेरिएशन को पा सकें. तो प्रोफेसर मार्शल का फॉर्मूला हम देखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. जिस प्रपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रहा है उसी को डिवाइड करना है प्रपोर्शन जो प्राइस का प्रपोर्शन चेंज है उससे. तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन में चेंजिंग प्राइस प्रीवियस प्राइस इंटू 100. इसको नेक्स्ट लेवल पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 क्या होंगे? कैंसल. चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी अपॉन में चेंजिंग प्राइस अपॉन प्रीवियस प्राइस. हमने इसके प्रपोर्शन में इसको ले लिया. नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे इसको हम और चेंज करेंगे तो क्या होगा? चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रीवियस प्राइस अपॉन चेंजिंग प्राइस. यहाँ तक क्लियर? इसको सॉल्विंग करने पर चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन चेंजिंग प्राइस इनटू प्रीवियस प्राइस अपॉन चेंजिंग क्वांटिटी, ये आपको फॉर्मूला फाइंड आउट होगा. इसके थ्रू हम किसी भी डिमांड की इलास्टिसिटी को फाइंड कर सकते हैं. हमने इलास्टिसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला देख लिया है बट सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि डिमांड की इलास्टिसिटी की कुछ टाइप्स हैं और वो टाइप्स कैसे बने हैं. डिमांड की इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स होते हैं और वो कैसे बने हैं उनका रीजन है. उनका रीजन ये है कि जिस प्रपोर्शन में प्राइस चेंज होता है उसी प्रपोर्शन में डिमांड चेंज नहीं होती है या उसी प्रपोर्शन में डिमांड के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता नहीं है. जैसे फर्स्ट आएगा आपका परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारा फर्स्ट पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड जो है उसे शो करेंगे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फिनिटी साइन से और ग्राफ के थ्रू हम इसको समझेंगे वाई एक्स जीरो. ये लाइन आपको प्राइस को शो करेगी. ये आपको क्या शो करेगी? प्राइस. और ये आपकी क्वांटिटी की यूनिट को शो करेगी. अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइस क्या हो रहा है? चेंज. हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं प्राइस के वेरिएशन को तो प्राइस को चेंज होना है. तो परफेक्ट इलास्टिसिटी में ये होता है कि प्राइस जो है पी प्राइस होने पर भी डिमांड क्यू है
क्यू से क्यू वन पे गई और क्यू टू पर गई। प्राइस कॉन्स्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज नहीं होने पर भी क्वांटिटी की डिमांड की क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं तो उसी को कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड की जो क्वांटिटी है उसमें चेंज का होना। तो ये परफेक्ट क्यों है कि प्राइस का इफेक्ट नहीं होने पर भी आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तो ये परफेक्ट इलास्टिसिटी को शो कर। नेक्स्ट सेकंड हमारा ये परफेक्ट इलास्टिसिटी है तो सेकंड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी मतलब कि ये इससे उल्टा, जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक्स जीरो वाई प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड, रेट ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी में प्राइस कांस्टेंट था, सपोज प्राइस फ्री है, इसमें डिमांड कितनी है क्यू, प्राइस हमारा हो गया है पी वन, तब भी डिमांड कितनी है क्यू। प्राइस हमारा हो गया है पी जीरो, तब भी डिमांड कितनी है क्यू। यहां प्राइस का कोई भी इफेक्ट डिमांड पर नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, डिमांड कॉन्स्टेंट है, मांग उतनी की उतनी ही है। ये उन चीजों के साथ होता है जो बेसिक नीड होती है या जो लोगों को खरीदना जरूरी ही होती है, कि उसके बिना काम चलेगा नहीं, वो हमें लेना ही है, वो हमारी बेसिक नीड। उसमें ये होता है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price
की टी है, डिमांड की क्यू। प्राइस डिक्रीज हुआ है, कितना पहुंच गया भैया, प्राइस पी जीरो पर पहुंच गया, यहां पहुंच गया। लेकिन अब प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा वो आगे। ये डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होने पर वो होता है इंक्रीज क्यू वन पर। ये प्रपोर्शन अगर उसके प्राइस के डिक्रीज का प्रपोर्शन 20% शो कर रहा है तो डिमांड के इंक्रीज का प्रपोर्शन यहाँ पर ओनली 10% ही शो कर रहा है। आपकी रिलेटिवली इनलास्टिसिटी इस बात को बताती है कि जिस कंटेंट में प्राइस डिक्रीज हुआ है उससे बहुत कम, जितनी मात्रा में प्राइस कम हुआ है उससे बहुत कम डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब 10% अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो डिमांड 10% नहीं या 2 या 3% ही इंक्रीज होती है। ये रिलेटिवली इलास्टिसिटी से अपोजिट होता है। रिलेटिवली में क्या था, प्राइस थोड़ा सा कम होने पर भी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, और रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी में प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया है लेकिन फिर भी डिमांड उतनी ज्यादा इंक्रीज हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उन चीज़ों के साथ होता है जैसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं हमारे, बड़ी बड़ी मशीनरी की चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें, तो वो जितना डिमांड हुआ उतना ही होगा। ज़्यादा प्राइस डाउन होने पर भी उसका डिमांड एकदम से बढ़ता नहीं है। प्राइस के ज़्यादा वेरिएशन न होने पर भी डिमांड का इफेक्ट ज़्यादा होना या बढ़ना उन चीज़ों के साथ होता है जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन या चेंज होने पर, परिवर्तन होने पर भी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं होता, ये उन चीज़ों के साथ होता है जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, महंगी हैं जो, या स्टेटस सिंबल की चीज़ें हैं या बड़ी भारी मशीनरी है, बेसिक बेसिक चीज़ों के साथ होता है। अब लास्ट वाला हम पढ़ेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल होगी, इलास्टिसिटी इक्वल होगी वन के। क्यों इक्वल होगी? यहां पर प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल प्रपोर्शन में चलेंगे, प्राइस और डिमांड इक्वल प्रपोर्शन में चलेंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए सपोज यहां प्राइस है पी, तो यहां आपकी डिमांड की क्वांटिटी है क्यू। प्राइस अगर आपका डिक्रीज होता है, सपोज आपका प्राइस डिक्रीज होकर पी जीरो पर चला जाता है तो डेफिनेटली अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड तो बढ़ेगा। तो ये जितने प्रपोर्शन में प्राइस डिक्रीज हुआ है उसी प्रपोर्शन में आपकी डिमांड इंक्रीज होके पी जीरो से क्यू वन पे आ जाएगी। मतलब अगर प्राइस 5% डिक्रीज हुआ है तो डिमांड की क्वांटिटी में 5% भी इंक्रीज होगी। ये होता है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार हम ओरली पांचों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें प्राइस कांस्टेंट था, चेंज नहीं होने पर भी डिमांड बढ़ती जाती है। दूसरा है परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस चेंज होने पर भी डिमांड के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें प्राइस पर थोड़ा सा चेंज होने पर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। फोर्थ रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें प्राइस पर बहुत ज़्यादा चेंज आने पर, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने पर भी डिमांड पर उतना फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें दोनों इक्वल चलते हैं, जिस प्रपोर्शन में प्राइस में चेंज है उसी प्रपोर्शन में डिमांड में चेंज है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।